हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो अपने परिवार अपने चैनल पे जो नए हैं, वो सबसे पहले अपने चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करके जरूर फीडबैक दे। उसके बाद अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के नाम से उसको भी आप ज्वाइन करें, ताकि आपको समय समय पर सारी अपडेट और जो क्लास नहीं ले पाते हैं वो सारे नोट्स वगैरह आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से, और आपने थंबनेल में भी देखा होगा, जिसके राजस्थान पुलिस के पेपर हो गए हैं, अब किस भर्ती की तैयारी करें और किसके लिए वो अपना आपको प्रिपेयर करें, और कौन सी भर्तियां हैं जिसके अंदर वो फॉर्म फिलअप कर सकता है और किसके लिए वो अपने आपको टारगेट कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी हमारे राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल के पेपर हुए हैं, लेकिन इसके बाद में आप लोगों के समक्ष अभी वनपाल वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की वैकेंसी है। नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद में आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म फिलअप करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट वाली वैकेंसी है, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। एलडीसी की वैकेंसी जल्द आ जाएगी, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में वीडियो जिसका प्री हो गया है, वीडियो मेंस की तैयारी करें, टीचर वाले टीचर की तैयारी करें, रीट वगैरह का एग्जाम है उनके सामने, और अभी फिर से फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं। तो आप लोगों के समक्ष बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं और आप अपना सपने को जो साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को रुकना नहीं है, अपने आप को थामना नहीं है। हम तब तक आगे बढ़ेंगे, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन तो हम लेकर रहेंगे, चाहे वो कोई भी हमारा डायरेक्शन हो, हम सिलेक्शन जरूर लेंगे, हमारा टारगेट जरूर हम अचीव करेंगे। हम अपना और अपने परिवार और अपना समाज, अपना देश, अपने गांव का नाम जरूर रोशन करेंगे, सबके सामने मिसाल बन के आएंगे, ताकि लोग आपको देखकर ये बोले कि देख उसके जैसा बन, देख उसकी तरह तैयारी कर। तो दोस्तों, ये आपके मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प और एक बहुत ही नौकरी लगने की जिज्ञासा आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, ताकि आप लोग अपनी आपको मोटिवेट रख सके और आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर अपना 100% एफर्ट डाल सके। तो दोस्तों, अभी आप ऐसे नहीं सोच रहे कि हम अब किसकी तैयारी करें, हमारे पास में कोई नौकरी नहीं है, हमारे पास में कोई भर्ती रिक्रूटमेंट नहीं है सामने। ये तो मैंने राजस्थान की बताई है, खाली दिल्ली पुलिस ही अलग बताई है सेंट्रल लेवल की। बाकी सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे बहुत सारी भर्तियां हैं, बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं, जिसके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आपके कदम थमने नहीं चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मुसीबत आएगी जाएगी, परेशानी आएगी जाएगी, उन परेशानियों को हल करने वाले भी हम हैं, उन परेशानियों के बंधन में जकड़ कर बैठने वाले भी हम हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसी को हराना है या आपको खुद को, अपने आप को हारना है। दोस्तों, मेरी डिक्शनरी में तो हारना शब्द है नहीं, अगर आप लोगों की डिक्शनरी में है तो मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगा, आप उसको बाहर निकाल दीजिए और अपनी प्रिपरेशन के अंदर लग जाइए, आप अपनी स्टडी के अंदर वापस लग जाइए। आपको वो टारगेट, आपको वो अपना सपना जरूर साकार करना है, जिसके लिए आप और आपके माता पिता आस लगाए बैठे हुए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।